हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर, उनके रियल ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ, क्या कहना चाहते हैं आपसे या बहुत जल्द क्या कह सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है आप सभी के लिए, है कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है, ठीक है। तो उन पर फोकस बनाकर रखिए, साथ में यूनिवर्स से प्रे करें कि वो आपको क्लैरिटी दें, आपका जो कन्फ्यूजन है दूर करें। आपके पार्टनर क्या है उनके रियल ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, क्या है उनके रियल ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर तो मुझे बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं आपसे, फुल लड़ने वाले मूड में हैं। हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से एंड कर दिया है, या आपने इस पर्सन को जो ये पर्सन आपकी प्रायोरिटी थे आपने वो छीन लिया इनसे, ठीक है। आपने अपने तरफ से एंड कर दिया है या खुद को स्टॉप कर रखा है इनके पास जाने से, इनको कांटेक्ट करने से, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या आप दोनों के बीच फाइट हुआ है जिसको सुलझाने की कोशिश आपने नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। इस पर्सन को आप पर शक भी हो रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट इशू हो रखा है इस पर्सन को आपको लेकर। ये पर्सन मुझे फूल लड़ने वाले मूड में दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली। इनको पता नहीं क्यों पर आप पर बहुत 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 गुस्सा आ रहा है, ठीक है। आप चेंज नज़र आ रहे हो, आप में चेंजेस नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को, कि आप चेंज होके हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप प्रैक्टिकल हो गए, आप लॉजिकल हो गए, अब आप किसी और के बारे में सोचने लगे हो, अब आप अपने बारे में सोचने लगे हो, अपनी खुशियों के बारे में सोचने लगे हो। आप में कुछ बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है इस पर्सन को। आप जस्टिस के बारे में, जस्टिस वाले मोड में आप हो सकते हो, जस्टिस वाले एनर्जी में हो सकते हो कि पर्सन आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, अब तक इस पर्सन ने आपको क्या देते आया है, अभी तक क्या दे रहे हैं और फ्यूचर में क्या दे सकते हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकता है कि पर्सन आपको क्या दे रहे हैं और क्या दे सकते हैं। क्या ये पर्सन जो आप चाहते हो वो दे सकते हैं? हो सकता है कि आप किसी चीज़ का डिमांड आपने किया है, आपने कह रखा है कि अगर तुम मुझे ये दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ख़त्म करते हैं सब कुछ। आपने ना किसी तरह से कुछ तो ऐसा किया है जिससे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप में बदलाव आया है, ठीक है। आप वो पहले वाले पर्सन नहीं रहे जो इनके मुताबिक चलता था, चलते थे। आप खुद के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचने लगे हो, ठीक है। आपने किसी तरह से इस पर्सन को इनसिक्योर फील कराया है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि पहले ये काफी सेफ हैं, सिक्योर हैं, आप अपनी लाइफ में इनकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अलाउ कर लिया है, ठीक है। अब आप नए रिश्ते के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। आपने कुछ तो ऐसा फील कराया है जिससे पर्सन सिक्योर है, ठीक है। इनको आप पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, पर हो सकता है कि आप बातचीत नहीं करना चाहते इनसे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक हो गए हैं, निगेटिव हो गए हैं, ये जब भी बातचीत होती है फाइट हो जाती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन जो भी हो, चाहे आप दोनों के बीच फाइट है क्यों ना हो, बट आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले ये पर्सन खुद ही भाग रहे थे आपसे, ठीक है, तो ये भाग रहे थे, ये आपसे बातचीत नहीं करना चाहते थे, तो आपकी एनर्जी ऐसे रही कि ठीक है, तेरे को बातचीत नहीं करना तो मुझे भी नहीं करना, मैं क्या तेरे लिए मरीज आ रही हूँ या मरीज आ रहा हूँ मैं तेरे लिए। आपकी एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर मुझे बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं कि आप इनको चेज क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्यों कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जिनसे आपकी फाइट हुआ है या हो रहा है, और क्या चाहते हैं। एट ऑफ कप्स, ये पर्सन कभी नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, आप इनको छोड़कर आगे बढ़ो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप खुश रह रहे हो, आप हैप्पी रह रहे हो इनके बिना, जो कि ये नहीं चाहते, ठीक है। इस पर्सन को आपका ही साथ चाहिए, ये पर्सन यूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ, या आपके हस्बैंड और वाइफ ही हो सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ बच्चे चाहते हैं, ठीक है, या तो ऑलरेडी बेबी है आप दोनों का, तो ये पर्सन कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ। और कुछ लोग के लिए मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ ना
अगर आप दोनों के बीच कंटिन्यूसली फाइट हो रहे हैं, या अगर इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन ही पर्सन फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है आगे नहीं बढ़ सकता, लोग अगेंस्ट हैं, काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेयर है, तो हो सकता है ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, किसी और से शादी करने जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। पर ये पर्सन आपको भी अपने लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स, कुछ लोग लिए पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। जिस पर्सन के साथ आपका फाइट हुआ, लड़ाई हुआ, जिस पर्सन ने आपको छोड़ कर गए या आप इनको छोड़ कर गए, ऐसा हो सकता है आपने इनको रिजेक्ट किया या इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, ये पर्सन नई शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके साथ, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। या जिस पर्सन के साथ आपके रिश्ते का एंड हुआ, जिस पर्सन ने रिश्ते को एंड किया, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोग लिए मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, अगर इनके साथ आपके रिश्ते का एंड हो गया है तो आपके पास नया प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। आपके पास नया प्रपोजल आ रहा है, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कोई नए पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, आप इनके बॉस हो सकते हो, किसी का नज़र है आप पर, कोई आपको पसंद करते हैं, वो पर्सन फाइनली अपने फीलिंग्स आपको शो कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग लिए आपके वही पार्टनर हैं जिनके साथ आपके रिश्ते का एंड हुआ, जिनके साथ फाइट हुआ, टावर मोमेंट आया, वो पर्सन आज आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो पर्सन आज आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। पर हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हैं या तो आप मैरिड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, तो ये पर्सन थोड़े से झिझक रहे हैं आपको कॉन्टैक्ट करने से या अपनी फीलिंग्स बताने से, बातचीत करने से कि कैसे करें, क्योंकि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, या आज आप दोनों के बीच कोई और है, ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है, तो ये पर्सन झिझक रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप सामने से होकर करो इनको कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साइंस बताऊँ क्या, यहाँ पर एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुछ लोग लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो यह है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो तो दिए गए नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कॉल अलाउ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइस, टेक केयर।